ओके, बहुत दिनों के बाद हमारा इंटरेस्टिंग फाइट एपिसोड आया है। लगभग 2 महीने से तो मैंने ये वीडियो डाला ही नहीं, इंटरेस्टिंग फाइट। और इस बार मैं रैंक पुशिंग कर रहा था ना, तो आपको इंटरेस्टिंग फाइट देखने में और भी मजा आएगा, क्योंकि अभी न्यू सीजन है ना, इसीलिए। हालांकि 20 दिन हो गए, लेकिन फिर भी न्यू सीजन बोल सकते हो आप थोड़ा सा। और मैंने 5000 रैंक प्लस कर दिया है, आपने कितना प्लस किया मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ओके, अब इस वाली गेम में देखो, यहाँ पे लगभग सेकंड जोन ही बचा था, सेकंड नहीं थर्ड जोन आप बोल सकते हो। और यहाँ पे देखो, हम पहले से ही जोन में आ गए थे, तो हमें एडवांटेज मिल रहा था। तो सामने से मुझे बंदा दिखा जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाया उसका। फिर मुझे पता चला कि इस साइड बंदे हैं, और वो देखो वो बंदा यहाँ से आ रहा था, मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन पता नहीं वो डाउन क्यों नहीं हुआ, लास्ट में डाउन हो गया, उसको हेड लग गया। तो फिर क्या, डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, रश। तो मैंने भी वही किया, तो बीच में मुझे एक एनिमी दिखा, तो उसको मैंने हेड से मार दिया, लेकिन जिसको मैंने पहले डाउन किया था ना, उसने साले ने मुझे मार दिया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे मेरा टीममेट बहुत अच्छे है, मेरे को रिवाइव दे दिया। और रिवाइव होने के बाद में यहाँ पे जो चमकीला गन था ना, उस पर उतरा, तो यहाँ पे हमारा M10 पड़ा चमक रहा था। कोई नहीं, तू चमक रहा था तो मैंने तेरे को उठा लिया। और यहाँ पे देखो, अचानक से किसी ने फायर किया, लेकिन मैं डैमेज लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अभी अभी मैं उतरा हुआ और साला कोई मार के चला जाए तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। और यहाँ पे एनिमी था, देखो मैं ऊपर चढ़ के इसको 2 गोली में M10 से ख़त्म कर दिया। यही तो बात है M10 की, साले एनिमी को हिलने का मौका तक नहीं मिलता अगर हमारे पास M10 हो तो। चलो, M10 का बहुत तारीफ कर लिया, लेकिन सामने एनिमी है यार। इसका एक गोली मुझे कैसा लगा देखो, मतलब इतना HP कैसे काट सकता है कोई गन। और यहाँ पे मुझे 2 लेवल का वेस्ट मार्क हो रहा था, देन मैं लेके आ गया। देखो मेरा टीममेट गया, देखना हाँ, वैसे उसका सोनिया वर्क हुआ था ना, इसीलिए मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे देखो, मेरा टीममेट डाउन हुआ ना, तो मैं चालाक था, मैं वहाँ पे जाता तो शायद से मुझे डैमेज पड़ता, इसीलिए मैंने डिमिट्री ऑन कर लिया। और यहाँ पे मेरा टीममेट बोल रहा था कि मेडिकिट नहीं है, ले भाई तू मेडिकिट मार, बाद में आना मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के मैं निकल गया। लेकिन मैंने ये बोला था कि तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि मेरे टीममेट बोल रहे थे कि हमारे पास बॉल की कमी है। मैंने बोला मेरे पास बहुत बॉल है, आ जाओ। और यहाँ पे देखो, इस एनिमी को मैंने हेड से डाउन किया, मतलब डाउन होने के बाद हेड से ख़त्म किया, पहले तो वैसे बॉडी से मारा था। और यहाँ पे हम रश करने के लिए चल पड़े थे, लेकिन देखो इसने मेरी सोनिया को बुला लिया, और सोनिया आ जाए तो पता है ना, हम डाउन हो जाते हैं। लेकिन मेरे टीममेट ना बहुत अच्छे हैं, जो मेरे को रिवाइव दे दिया देखो डिमिट्री से। तो फिर मैंने अपना HP रिकवर किया, और यहाँ पे उसको एक आध गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझे डाउन कर दिया। लेकिन मेरे टीममेट की फुर्ती तो देखो, फिर से मुझे रिवाइव कर दिया। वाह, ऐसे टीममेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्लास मेडिकिट मारना ज़रूरी है, वरना वो मुझे बिना ज़रूरी ही मार देगा। तो कोई नहीं, अरे अरे चाचा जी, रश कैसे करोगे, यहाँ पे पीछे लालियो खड़ा है, वो भी M10 लेके, अभी इसको देखो बॉडी बॉडी से मार दिया। तो फिर क्या, उसका दूसरा टीममेट देखो ऐसे मुंह उठा के आ गया, मुझे ना डैमेज पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा मेडिकिट कर लूँ, लेकिन ये मुझे कहाँ मेडिकिट मारने देगा। और लास्ट में ये गया और हमारा हो गया बुइया। तो यार मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारा बुइया हो जाएगा, लेकिन हो गया। ओके, इस वाली क्लिप में देखो, यहाँ पे ना मैं फ्री रिवाइव लेके बैठा था, इसीलिए मैं हर किसी की नज़रों में आ रहा था, तो साला हर कोई मुझे ही दो रहा था। और यहाँ पे मैंने चालाकी से वॉल डाल के निकलने में ही मेरी भलाई समझी, और मैं निकल गया, वरना मेरी चटनी बन जाती वहाँ पे। और यहाँ पे जैसे उतरा, मेरे को एनिमी दिखा, तो उस एनिमी को मैंने हेड मारा, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, मैंने रश नहीं किया, उल्टा लॉन्च पैड लगा के भाग गया, क्योंकि मेरे टीममेट रिवाइव होने वाले थे। मेरी एक गलती यहाँ पे बहुत ही महंगी पड़ जाती मुझे, लेकिन वो सब छोड़ो, यहाँ पे एनिमी थे सामने, तो मैंने पहले फर्स्ट क्लास मेडिकिट मारा, और देखो उसको हेड से डाउन कर दिया। और यहाँ पे मैं रश नहीं कर रहा हूँ, मैंने रश करने की सोची थी, लेकिन मैं आगे आ रहा था, सिर्फ उनको डरा रहा था। बाद में मैंने मेडिकिट का यूज़ किया सुपर वाली, वो भी, और यहाँ पे रश किया तो एक एनिमी गया, और यहाँ पे दूसरे को भी मार दिया, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने 2 को उल्टा दिया, उल्टा क्या यार, मार दिया। तो इनको मारने के बाद यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ फाइट वगैरह नहीं हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारी फाइट हो रही थी, तो मैं पहुँच गया। और देखो ये एनिमी, चाचा जी क्या कर रहे हो, पीछे लालियो आ रहा है, थोड़ा सा सब्र कर लो, मतलब थोड़ा सा ऐसे देखो पीछे वगैरह। और यहाँ पे मेरे टीममेट को मैं बचा लेता यार, मैंने वॉल भी डाला, लेकिन मेरी एक गलती क्या थी कि मैंने डिमिट्री को जल्दी से ऑन नहीं किया। छोड़ो, यहाँ पे मैं पीछे की साइड पे आ गया ना, तो देखो ये चचा जी क्या कर रहे।
हाँ पता नहीं है क्या, जॉन में तो सोनिया अग देती है, यानी कि 3 सेकंड की जगह पे 1 सेकंड भी नहीं रहती। अरे चाचा जी पीछे से कहाँ से मार रहे हो यार, आगे आ जाओ ना अगर मर्फी के बच्चे हो तो। यार इसने ना ओरियन वन करके मेरे टीममेट को डाउन कर दिया, लेकिन मेरे टीममेट मुझे बहुत अच्छे से रिवाइव देते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने मेरे टीममेट को रिवाइव दे दिया। फिर वो मेडिकिट यूज कर रहा था तो मैं उसके पास खड़ा रहा, मैंने उसको बोला तू मेरे पास रहना, लेकिन नहीं वो बोल रहा है कि मैं रश करेगा। तो फिर मैंने बोल दिया कि जा तू उस एनिमी के पास जाके रश कर, मैं इस एनिमी के पास जाता हूँ। एक सामने भी एनिमी था, लेकिन मेरा टीममेट जाते ही ख़त्म हो गया, यानी कि ये भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मजाक से हटके लेकिन इस साइड जो एनिमी था ना, मैंने उसको मारने में भलाई समझी, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं मारता ना तो साले वो 2 एनिमी थे। तो कोई नहीं, मैंने इसको मार दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे UMP में गोलियाँ ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा उसको मार के मैं ले लूँगा, लेकिन इसके डेड बॉडी में क्या है मैंने देखा ही नहीं। मैं बाद में देखने गया ना तो मुझे एक भी गोली नहीं मिली। अब मेरे UMP में गोलियाँ थी 26, अभी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये ना रिप्ले वाला गेम प्ले है, यानी कि ओरिजिनल नहीं, जो सिस्टम रिकॉर्डिंग है ना फ्री फायर का उसमें से किया है। कोई नहीं छोड़ो, लेकिन एक बंदा बचा है ना, और मेरे पास 26 गोलियाँ UMP में थी, इसलिए मैं लॉन्ग से फाइट ले रहा था। और यहाँ पे वो रश कर रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो नेड का यूज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे नेड ने अग दिया, यानी कि 1 का डैमेज भी नहीं लगा, ऊपर से मुझे डैमेज पड़ा नेड से, वाह। लेकिन यहाँ पे 26 गोलियाँ भी काफ़ी है, देखो रेड नंबर वाले हेडशॉट मारे। तो मेरे फिर मुझे लगा चलो रश करते हैं, और यहाँ पे रश किया ना तो वो बंदा अभी बहुत ही दिमाग से खेल रहा था, और यहाँ पे इस बार बॉल डालने के बाद मेरे UMP में गोलियाँ बची थी ओनली फॉर 6, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रश कर दिया M14 से, और इसको M14 से मार के यहाँ पे हमारा हो गया बुइया। तो गाइस इस बुइया के लिए 1 लाइक तो बनता है। ओके इस वाली क्लिप में देखो मेरे नीचे एक एनिमी उतर रहा है, तो यहाँ पे शुक्र है मेरे टीममेट के जिन्होंने मुझे सुपर रिवाइव दिया है, इसलिए देखो मेरे पास UMP था। तो मैं फिर पहुंच गया घर में, और देखो एनिमी था यार, वो मुझे कैसे डैमेज दे रहा था, देखो मुझे 2 डाला। शायद से वो एनिमी भी सुपर रिवाइव होके ही आया है, इसीलिए उसके पास गन था, क्योंकि उसने अभी अभी तो लैंडिंग किया है। और यहाँ पे मुझे एक घातक गन मिल चुका है जिसका नेम है M10, और यार पास में तो M10 ऐसी चलती है ना क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं ना MP40 लवर हूँ। ठीक है, कौन कौन M10 लवर है और कौन कौन MP40 लवर है मुझे कमेंट करके बताओ यार, वो सब छोड़ो लेकिन यहाँ पे थोड़े से वीडियो को करते हैं कट। और मैं वहाँ से भागता भागता यहाँ तक आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे टीममेट के पास थे एनिमी, कितने थे वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने सीधा रश कर दिया, क्योंकि वो भी 2-3 ऊपर थे। बाद में मुझे पता चला कि साला एनिमी तो इसके अंदर ही, और हमारे पास इसके तोड़ने का इलाज भी नहीं था। तभी तुम्हारे भाई ने एक इलाज बताया कि किसी के पास वो ग्लू वॉल ब्रेकर है ना वो डालो, तो किसी ने ग्लू ब्रेकर डाला और तुम्हारे भाई ने M10 से बॉल तोड़ दिया, और बाद में मैंने M10 से इसकी खिचड़ी बना दी और मैं खा गया। और देखो दूसरा एनिमी आया जिसका वॉल सेम मेरे जैसा था। कोई नहीं दादा डाल दे, तू वॉल डाल दे। लेकिन देखो ये चाचा जी ने कैसी गलती कर दी, इस साइड से अंदर घुसने की कोशिश की। सर जी कैसे घुस पाते यार, मेरे पास M10 था वो भी 3 लेवल वाला, और यहाँ पे मेरी कैली को किसी ने डाउन कर दिया। हाँ मेरे टीममेट को, हाँ मेरी कैली नहीं। और तो क्या, फिर मैंने इसको रिवाइव दे दिया, और देखो मेरा टीममेट गया 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 गया, बेटा तेरे सोनिया अभी अग देगी, अग दिया ना। देखो वैसे तो सोनिया बेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन कभी कभार ना सोनिया से ही हमें गुस्सा आ जाता है। डिमिट्री नहीं होता ना तब, जब हमारे डिमिट्री का कूल डाउन टाइम चल रहा होता है ना तब, वो सब छोड़ो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास टोकन पड़े थे ना, तो मेरे टीममेट कब के बोल रहे थे कि भाई रिवाइव दो, तो मैंने सोचा यार एनिमी है, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब एनिमी नहीं आएगी, मैंने यहाँ पे रिवाइव दे दिया उनको। लगता है मैंने रिवाइव नहीं दिया क्योंकि मेरे टोकन तो गए ही नहीं। देखो हालांकि मैं रिवाइव करने के लिए बाहर आया था, लेकिन मेरे टीममेट ने रिवाइव दे दिया, तो फिर क्या, फिर से मैं अंदर चला गया क्योंकि बाहर खतरा था मेरी जान को, और यहाँ पे मेरी जान डाउन हो गई, मेरी कैली। रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइव के बिना हम बुया कभी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने टीममेट को रिवाइव दे दिया। और हाँ ये रैंडम प्लेयर थे, ठीक है कोई भी मेरा टीममेट नहीं है, देखना सभी रैंडम प्लेयर थे। और यहाँ पे देखो साइड से कोई एनिमी मुझे मार रहा था, तो मैंने पहले वॉल डालना ज़रूरी समझा, और बाद में मैंने इस एनिमी को डाउन कर दिया, तो ज़्यादा एनिमी अलाइव नहीं थे ना, तो इसलिए मैंने सीधा रश कर दिया। लेकिन ये तो रिवाइव हो गया, तो फिर क्या, मेरे पास M10 था वो भी लाल कलर का, यानी कि 3 चिप वाला। तो अब 5 बंदे बचे थे, जिसमें से 4 तो हम है, यानी कि 1 ही बंदा बचा है, और मुझे ये बोलते बोलते तो बुइया भी हो गया। देखो वाह,
दिल को सुकून मिल गया यार। तो गाइज इस वीडियो में मैंने ओनली फॉर 3 गेम प्ले ही कवर किए है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। सो चलो गाइज, बाय बाय।